हेलो फ्रेंड्स, खूब खूब स्वागत है आपका सिमीज मसाला किचन में। आज हम बनाने वाले हैं एकदम से हलवाइयों की दुकान पर मिलने वाली मठरी, मेथी मठरी, स्वाद में भी लाजवाब, एकदम से कुरकुरी और कई कई परतों वाली। देखिए अंदर भी कितनी सारी परतें बन गई हैं इसमें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए एक बड़ी सी प्लेट या परात कुछ भी ले लीजिए और उसमें मैंने लिया है 500 ग्राम प्लेन फ्लावर, 2 टीस्पून सोल्ट या नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। पर अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 टीस्पून ले लीजिए और सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून ले लीजिए। अब इसमें आधी या एक चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल दीजिए और साथ में इसमें जाएगी कसूरी मेथी 2-3 टेबलस्पून। इसको भी क्रश करके डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छे आएंगे। आप चाहें तो फ्रेश मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कसूरी मेथी तो हर समय घर में अवेलेबल होती ही है। और साथ में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर। इसका बहुत पाउडर नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। बस आप सब चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब आटे के साथ बहुत अच्छे से रल मिल जाए। अब हम इसमें डालेंगे 125 ग्राम मेल्टेड घी। आप चाहें तो घी के बदले ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोई भी चीज़ घी से ज़्यादा खस्ता बनती है तो इसलिए मैं घी ही आपको रिकमेंड करूँगी। और इस तरह की मठरी में पतली मठरियों के कंपैरिजन में घी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। आपको मुट्ठी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी एनफ घी है तो मुट्ठी तो इसमें अपना आप ही बन जाएंगी। हमें इसका थोड़ा सख्त सा डो तैयार करना है, इसलिए हम बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम आटे को इकट्ठा करते रहेंगे। मैंने इसमें 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है, पर मैदा थोड़ी सी अलग अलग तरह की होती है तो हो सकता है आपको इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। और इसके आटे को हम रोटी पराठे के आटे की तरह नहीं गूंथेंगे, बल्कि इस तरह से तोड़कर और उसको आपस में जोड़कर इस तरह से हम आटे को इकट्ठा करेंगे। ऐसा करने से मठरी में बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं और मठरी अंदर से एकदम से खस्ता और बहुत ही फोकी तैयार होती है। अब ये जो हमारी डो बॉल्स तैयार हुई हैं, इनको हम किसी प्लास्टिक के बैग के अंदर रखेंगे ताकि ये सूख ना जाए। और फिर किसी एक वर्क सरफेस पर हम इसकी एक डो बॉल निकालेंगे और उसको कुछ इस तरह से तोड़कर और फिर दोबारा से आपस में जोड़कर आटे को हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। ये वाला प्रोसेस एकदम से खस्ता मठरी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो 5-7 बार इसको आप रिपीट कीजिएगा। और अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे और फिर उन लोइयों की हम छोटी छोटी सी बोल तैयार कर लेंगे। और इन मठरियों को हम बेलेंगे नहीं, बस इसी तरह से एक बोल को हाथ में लेंगे और हथेलियों से इस तरह से दबाकर उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अगर आप खूब सारी मठरियाँ बना रहे हैं तो ऐसा करने से कई बार हथेलियों में दर्द सा होना शुरू हो जाता है, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का वुडन पोटैटो मेशर है तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और इससे हाथों में दर्द भी नहीं होता। बस एक बोल लीजिए और इस तरह से इस पोटैटो मेशर से इसे दबा दीजिए तो एकदम से परफेक्ट मठरी बनकर तैयार हो जाएगी। और जी ये तैयार मठरियाँ हैं, इनको हम ढककर रखेंगे या किसी बैग में हम इनको इस तरह से रखेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। इस तरह की मठरियों को हम बहुत तेज आंच पर नहीं तलेंगे, हम गैस को एकदम से लो मीडियम हीट पर रखेंगे और जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें मठरियाँ इस तरह से इकट्ठा ही डाल देंगे। 3-4 मिनट तक आप मठरियों को बिल्कुल भी मत चलाइएगा, ये अपने आप से ही धीरे धीरे जैसे ही सिकने लगेंगी हल्के हल्के से ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। इनको हमें मंदी आंच पर ही सेकना है ताकि ये अंदर तक सिक जाए और बेहद क्रिस्पी हो जाए।
क्योंकि ये मछलियाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं तो इन्हें सिकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इनको सिकने में तकरीबन 13 से 15 मिनट तक का समय लगेगा। और जब सारी मछलियाँ इस तरह से ऊपर आ जाएं, तब हम इनको हल्के हाथों से किसी फोर्क से धीरे धीरे से इनको हम पलट लेंगे और इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। अलट पलट कर सेकते हुए ये मटरियाँ चारों तरफ से एक सार कलर की हो गई हैं और काफ़ी गोल्डन ब्राउन कलर अब इनमें आ गया है। अब हम इन्हें ड्रेन कर लेंगे और इन मटरियों को आप किसी प्लेट के बदले कुछ इस तरह की छलनी में ड्रेन कीजिएगा। ऐसा करने से एक तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा और मटरियों में चारों तरफ से हवा लगेगी, जिससे कि नीचे की जो मटरियाँ होंगी वो भी सॉफ्ट नहीं होंगी, सारी मटरियाँ ही एकदम से करारी और खस्ता बनी रहेंगी। और ठंडा होने के बाद इन मछलियों को आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए और महीनों तक इन मछलियों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये एकदम से हलवाई स्टाइल की मेथी मछली ज़रूर बनाकर देखेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपकी मछली कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे सेफ।